साथियों, देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ्य, हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों में देश के रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथियों, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिसके पास जल, थल और नभ से परमाणु हमले और आत्मरक्षा करने की क्षमता है। इसके अलावा दशकों से लटके पड़े लड़ाकू विमानों और आधुनिक तोपों से जुड़े समझौतों को जमीन पर उतारा गया है। देश में भी मिसाइल से लेकर टैंक, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। मैं देश, आप युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में हर वो बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सक्षम रहेगा, तभी युवा अपने सपने साकार हो पाए, कर पाएगा।